हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज आयुष। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमें अभी बेंगलोर में, ये कर्नाटका का एक सिटी है, और आज से मेरा कर्नाटका एक्सप्लोर स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे साथ में आप तो जानते ही हैं कि धनुष, नोमेडिक धनुष जुड़ेंगे। तो अभी वो 30 तारीख को आ जाएंगे केरला, 5-6 दिन में अपना केरला बड़ा बड़ा टूर करके उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही अब इंटरेस्टिंग और बहुत सी अलग अलग चीज़ें का हरकतें होंगी। तो ऐसे ही बने रहिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए, अब अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बस रिफ्रेश हो गए हैं। और आज हमको 2 बजे हमारे जो फ्रेंड हैं, नहीं बस नहीं चाहिए, वो बोल रहे हैं कि बस लेना है क्या, ये ऑटो और बस वाले वो बार बार वो करके, नो रूम्स नहीं चाहिए। और ही वो बस वाले और ऑटो वाले रोक के वो पूछने लगे कि आप किधर जाओगे। हाँ, तो मैं 2 बजे एक हमको हमारे होस्ट पिकअप करेंगे, उन्हीं के यहाँ आज रात रहेंगे। और ब्लॉग आज कम बनाएंगे, देखेंगे तो टाइम मिलेगा तो एक दो जगह विजिट भी कर लेंगे। अभी तो जा रहे हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और मैं बेंगलोर में, ये मेरा 3री बार है, मैं एक बार और आया था, वही रेस्टोरेंट में खोज रहा हूँ। बहुत ही सस्ता और बहुत ही बेहतरीन वो खाना मिलता है वहाँ पर। तो उन्हीं को ढूंढ रहे हैं किधर गया वो रूट, क्योंकि बहुत दिन हो गया है आए, और अभी चल रहे हैं आगे। और हमको एक मैप ख़रीदना है, क्योंकि जब मैप ख़रीदेंगे तभी तो पॉइंट करेंगे कि हाँ कैसे जाना है, कैसे कैसे कवर करना है। तो मैप ख़रीदना है और कैप ख़रीदना है। मैप ख़रीदेंगे, कैप ख़रीदेंगे और एक शूज़ ख़रीदेंगे, क्योंकि मेरे पास शूज़ नहीं है। शूज़ नहीं ख़रीदेंगे तो वो रबर वाली जो आता है वो सैंडल वो लेंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पैर वो कट जा रहा है वो स्लीपर से चलते चलते। मैंने स्लीपर इसलिए लिया था कि थोड़ा चलो काम आ जाएगा, लेकिन और मैंने तो शूज़ अपना फेंक दिया था उधर, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया था, डैमेज हो गया था पूरा। तो अभी चल रहे हैं आगे और ख़रीद लेते हैं। आज बहुत ही देरी के बाद ढूंढते ढूंढते मुझे कर्नाटका का मैप मिल गया है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, और 3 घंटे से बस इधर उधर मैं घूम रहा हूँ। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हूँ और घूमते घूमते मैं आ गया हूँ बेंगलुरु पैलेस। ये देखिए पीछे दिख रहा है, चलते हैं और आगे। और बहुत ही यहाँ से ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, और ये अंदर महल है, समझिए पैलेस मीन्स महल, लेकिन अंदर हम लोगों के लिए अलाउ तो होगा नहीं, अलाउ होगा इन लोगों के लिए। तो चलते हैं बाहर ही विजिट कर लेंगे और क्या। और बाहर से ये ऐसा फोर्ट दिखाई देता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसे 1862 में बनाया गया था, और इसको 82 ईयर्स लगे थे बनने में। और 2 साल बाद इसे एक साम्राज्य के जो राजा थे यहाँ के, वो ख़रीद लिए। और इसे जो इंग्लैंड का विंसर कॉस्टल पैलेस है, हूबहू उसी की तरह इसको भी बनाया गया है वैसे ही देखने के लिए। और ये देखिए क्राउन की तरह जो ऊपर चारों तरफ वो गोल गोल लगा हुआ है। और एंट्री चार्ज जानते हैं कितना है? 300+ वहाँ एंट्री चार्ज है भाई साहब, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और कुछ ऐसा बाहर का व्यू। 3 किलो पैदल चलने के बाद हम फाइनली आ गए हैं विधानसभा विजिट करने के लिए, लेकिन आज संडे है, सब बंद है, और आगे का सब बैरियर लगा दिया गया है। विधानसभा बेंगलुरु, और ये देखिए जवाहरलाल नेहरू। अभी चलते हैं आगे, बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है। इस पे लिखा है गवर्नमेंट वर्क इज ए गॉड वर्क, बस लिखा ही है, ऐसा होता नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, बहुत ही बड़ा एरिया फैला हुआ है। और आज संडे है इसके वजह से ये क्लोज है। और ये देखिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इसके वजह से ये बैरियर लगा दिया गया है, नहीं तो ये ओपन रहता है हमेशा। उधर जवाहरलाल नेहरू जी का स्टैचू था, और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू है, बहुत ही बड़ा स्टैचू है। और ये कर्नाटका का विधानसभा, और ये देखिए हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का हाई कोर्ट है। और ये मेन रोड, और उधर ही ASC है, एयरमैन सिलेक्शन कैंप, हम वहाँ पे आए थे अपने फ्रेंड के साथ, यहाँ पे विजिट कर चुके हैं हम, लेकिन जब आए हैं इधर तो कहें चलिए एक ब्लॉग बना दिया जाए। तो हम आ गए हैं विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, अब विजिट करेंगे यहाँ पे।
और यहाँ पर देखिए ये क्या है, BD-884 फाइटर प्लेन, और ये देखिए पानी निकालने वाला। चलेंगे कमांडो, चलते हैं इंजन हॉल में, देखते हैं क्या नज़ारा मिलता है देखने के लिए। वाओ, डायनासोर्स, इंजन्स देखने के लिए, जो बड़े बड़े मशीनों के इंजन्स होते हैं, और ये देखिए ट्रक्स के इंजन, ये देखिए नेशनल ऑयल इंजन, कितना बड़ा इंजन है और ये प्रोसेस कर रहा है। और यहाँ पे देखिए मस्त गेम भी चल रहा है बॉल्स के साथ। वाह भाई मज़ा आ गया। एंड हॉट एयर इंजन, वो देखिए डीजल इंजन इंजन है, एयरक्राफ्ट इंजन, ये देखिए एयरक्राफ्ट इंजन्स। ये एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं, एयरक्राफ्ट इंजन्स हमारे इसरो के जितने भी मैकेनिकल चीज रहते हैं यहाँ पे। और ये देखिए ट्विन रो रेडियल एयरक्राफ्ट इंजन, वो दो इंजन्स दो होते हैं वो है। और वो देखिए मस्त प्लेन उड़ाएगा बाबू, अब देखिए बाबू प्लेन उड़ा रहा है। के रोल्स रॉयस एवन MK-203 जेट इंजन, ये जो एरोप्लेन का जेट इंजन होता है, जो जहाँ से वो एग्जॉस्ट होता है वो धुआं आग निकलता है वही है। ये देखिए भाई साहब बहुत बड़ा इंजन है। और ये कौन सा इंजन है, ये देखिए वाइंड पावर, वाटर पावर, वाइंड पावर एंड ह्यूमन मसल्स पावर। अम्मा अम्मा लो करो, ये देखिए घंटा वाला क्या गया। और एक देखिए वहाँ पे जा रहा है राउंड करते हुए, दो उधर चले गए, और एक देखिए वहाँ पे चला गया स्टार्ट के पास। अरे ये आ गया, हाँ वहाँ गया, मस्त है। हम अभी आ गए हैं मनोरंजन विज्ञान में, फन साइंस में, चलिए एंट्री करते हैं। अरे वाह बहुत सारे ट्यून्स सुनने के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को, चलिए इसको ट्राई करते हैं। देखिए ये है ना बॉल, वाओ ये नहीं वर्क कर रहा है, ये ग्रेविटी को दिखा रहा है। देखिए ये तो आप देख चुके हैं कॉनिक सेक्शन, ये हाँ इसका आप यूज़ कीजिए, देर तक दबाना होगा उसको। बाबा दबा रहे हैं, ऐसा हम कवर कर चुके हैं वहाँ पे। एरोबेटिक स्टिक या आ रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है वाटर पावर से वो इस पर दिखाया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, कैसे ये अंतरिक्ष में सोलर कार ऐसे चलता है, देखिए सोलर से
ये कार के ऊपर सोलर लगा दिया गया है, ऊपर ये लाइट जल रहा है उसकी मदद से, ये देखिए चल रहा है एकदम मस्त। ये देखिए सोलर की मदद से, ये देखिए कैसे ये चल रहा है इसके व्हील्स। और ये देखिए बायोमास। ऐसे करके ये भट्टी हो रहा है, दिखाया गया है इसको। और आगे चलते हैं, बहुत कम समय है, अब बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर IBM 1401। देखिए न्यूक्लियर डिबेट्स रुका हुआ है ना, देखिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए टायर्स है और इसका हैंडल्स है, अब मैं इसको घुमाता हूँ। देखिए मस्त एकदम फैन चल रहा है। वेल लाइटिंग स्ट्रिक्स, ये देखिए करेंट, वाह। ये बताया गया है थंडर में जब वो आता है बारिश में बिजलियाँ उसके लिए है। देखिए मैं भी दबा के देखता हूँ। वाह वाह वाह, कैपेसिटर आ गया वापस। अब चलेंगे हम स्पेस टेक्नोलॉजी में, वीडियोस बना रहे हैं बाबा। और ये देखिए आर शर्मा, हमारे पहले जो फर्स्ट इंडियन थे स्पेस में गए, राकेश शर्मा वो हैं। इनके साथ एक पिक्चर्स भी क्लिक कर लेते हैं हम। वाह, अब हम लोग हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे। अब बाबा जाएंगे फोटो क्लिक कराने। ये देखिए स्पेस में कल्पना चावला, सब उनके टीम मेंबर्स। अब बाबा जाएंगे। हमारे सैटेलाइट कैसे वर्क करते हैं देखिए उसके बारे में है। ये सैटेलाइट देखिए कैसे घूम रहे हैं, ये स्लो थोड़ा घूम रहा है और ये फास्ट घूम रहा है सैटेलाइट। देखिए ऐसे ही ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं सैटेलाइट्स हमारे। और ये देखिए ये जो जियोग्राफिकल ऑर्बिट्स हैं। और ये देखिए हमारा आर्यभट्ट, ये C21, ये रोहिणी, वो GS-80 करके ऐसा सब है। ये देखिए PSLV हीट सील्ड, जिसका हीट सील्ड होता है वो देखिए PSLV का। देखिए PSLV, GSLV, GSLV, MK-2, नो MK-3 सॉरी। ये देखिए वाह, सबसे छोटे वाले, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उसके बाद वो।
यह हमारा स्पेस सूट है इंडियन का। अब चलेंगे हम जैविक प्रौद्योगिकी। डीएनए कैसे हम भोजन को जो ईट करते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है उसके बारे में है। ये माउथ से हम जो खाते हैं जो सलाइवा में मिक्स होके वो आता है स्टोमक में, फिर यहाँ पे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद मन के द्वारा बाहर। तो ये रॉबर्ट हुक ने जिस चीज़ का खोज किया था उसके बारे में, बैक्टीरिया कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा देखिए कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखिए ईस्ट जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, ब्रेड जो बासी से बनता है ईस्ट, उसके बारे में है। देखिए ईस्ट का कुछ ऐसा है, ये देखिए लीवर वर्थ। हाँ लीवर वर्थ, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज हुआ है। अभी इसमें बहुत सी चलेंगे इधर, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। हम लोग के पास समय नहीं है, टिकट काउंटर बंद हो चुका है, बस जितने लोग विजिट कर रहे हैं हम आधे घंटे के अंदर चले जाएंगे। और ये देखिए अपना जो हर्ट्स कैसे काम करता है, ये देखिए हम लोग का ह्यूमन हर्ट्स कुछ ऐसे होता है। आप लोग को लगता होगा कि जो ऐसे करके बनता है हर्ट्स, वैसा वाला नहीं है, कुछ ऐसा होता है हम लोग का हर्ट। हाँ देखिए गाइज, मस्त एकदम रूम में रुके हैं और मस्त एकदम नहा लिया, सभी कपड़े उपड़े धुल लिए। और मैंने ले लिया है कर्नाटका का, तो उसी पर जो टूरिस्ट प्लेस है उसी को पॉइंट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ घूमें कि जल्दी कवर हो जाएगा। और मस्त रुके हैं और सोएंगे, आज ब्लॉग नहीं आएगा, मतलब ये तो 4-5 दिन बाद वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन मतलब कल ब्लॉग नहीं डालेंगे, एडिट नहीं करेंगे, मस्त सोएंगे और बाद में देखेंगे तो फिर ब्लॉग डाल देंगे। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।